नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी के लखीमपुर खीरी में भड़की हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें सीतापुर के गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। इस गेस्ट हाउस से उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो झाड़ू लगाते दिख रही हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में भड़की हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने सोमवार को तड़के 5:30 बजे हिरासत में ले लिया। प्रियंका लखीमपुर पहुंच गई थी लेकिन उन्हें हर गाँव में ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पीड़ितों से नहीं मिलने दिया। प्रियंका को सीतापुर के गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। प्रियंका गांधी को पुलिस ने जिस गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा है वहां से उनका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में प्रियंका कमरे में झाड़ू लगाती दिख रही हैं। करीब 45 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि पूरा कमरा खाली पड़ा है और प्रियंका झाड़ू लगा रही हैं। प्रियंका को पीएसी की 22वीं बटालियन के गेस्ट हाउस में रखा गया है। इस मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बताया कि प्रियंका रात को मुझसे कह रही थी कि मैं लखीमपुर पहुंचूंगी, वहां किसानों की मांगों को कोई सुन नहीं रहा है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है क्योंकि रात में बारिश हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि वो रोड से सफर करेंगे लेकिन उनको वहां रोका गया। उनके पास ना तो कोई वारंट था ना ही कोई डॉक्यूमेंट था कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है। मुझे पता है कि वो उन परिवारों से मिलकर ही रहेंगी। रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा कि आपकी सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें। उन्होंने कहा कि लोगों ने देखा है कि उनके ऊपर गाड़ी चलाई गई लेकिन उनके ऊपर केस नहीं हो रहा, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को जब तक कोई सुनेगा नहीं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक प्रियंका वहां से वापस नहीं आएंगी। वाड्रा ने कहा कि सरकार को पुलिस की मदद करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद उनके भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रियंका मैं जानता हूँ तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वो डर गई हैं। आरोप है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे एसएस मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, इससे 4 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद हिंसा भड़क उठी जिसमें बीजेपी नेता के ड्राइवर समेत 4 और लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे बवाल में अब तक 8 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे ने इन आरोपों को खारिज किया है। आशीष मिश्रा ने दावा किया है कि वो सुबह से बनवारीपुर में थे। इस मामले में आशीष मिश्रा के खिलाफ तिकोनिया थाने में FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।